बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं और अपने लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जनता ने खुद सपोर्ट करके उन्हें खड़ा किया है इस चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं मसखरा रिपोर्टर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी नितिन कुमार उर्फ सत्यम जी। नितिन जी, सबसे पहले तो आपका मसखरा रिपोर्टर में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो आपका जो एरिया है उसका सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या वहां शौचालय का है। वार्ड नंबर 9 सबसे मतलब कि मोस्ट मतलब कि इलीट क्लास में आते हैं, लेकिन उसके बाद वहां शौचालय 80% लोगों को शौचालय उपलब्ध नहीं है। वो लोग बाहर जाते हैं, इवन शौचालय के लिए पैसा तक देते हैं। तो ये वार्ड की सबसे मुख्य समस्या में हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहे हैं, 2014 से कहते आए हैं कि शौचालय हर घर में होना चाहिए। शौचालय होना बहुत जरूरी है। जब तक शौचालय नहीं रहेगा कोई भी क्षेत्र, कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहां शौचालय की सबसे बड़ी समस्या है। इतना साल मतलब कि इतना आधुनिक युग होते हुए भी, वार्ड नंबर पटना के बीच में होते हुए भी वार्ड नंबर 9 वहां पर शौचालय उपलब्ध 100% नहीं है जी। इसका मतलब है कि आपके अनुसार आप शौचालय बनवाना चाहते हैं? 100% शौचालय देना चाहते हैं। हर शौचालय उपलब्ध कराना ये जनता का अधिकार है, शौचालय होना उनका अधिकार, हम उन्हें देना चाहते हैं। आपने सही कहा कि ये जो एरिया है आपका वार्ड संख्या 9 वो काफी हाईफाई माना जाता है, लेकिन स्लम एरिया भी जो है उसमें स्लम लोग बहुत सारे रहते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? स्लम जो रहते हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं, काफी मतलब कि विकास से कोसों दूर है। उनके बारे में यही कहना है कि उनका जो भी समस्या है, जो आपको भी बताएं, शौचालय का, पानी का, पढ़ने का और सड़क का, जो उनके घर तक जाने का, वो सब बिल्कुल ही वहाँ विकास नहीं हुआ। तो ये सब हम अगर जीत के आते हैं तो हम उस 3 से 4 साल के अंदर कंप्लीट कर देंगे पूरा 100%। और उसे सही में लाया कि ये सही में वार्ड नंबर 9 वीआईपी वार्ड में है, ये लोग भी उसी तरह से वीआईपी की तरह रहेंगे। आपको बता दें कि वार्ड संख्या जो 9 है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास से लेकर बिहार विधान परिषद भी शामिल है। बहुत हाईटेक एरिया है लेकिन स्लम बस्ती भी है, वहां पर शौचालय की भी कमी है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस वार्ड में है। लेकिन अब जानना जरूरी है कि हमारे साथ जो नितिन कुमार है उनके क्या क्या मुद्दे हैं, आपके मुद्दे क्या है इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आधारभूत जो समस्याएं हैं मूलभूत, वही वहां पूरा नहीं हुआ है। तो पहले उस मुद्दे को, उस मूलभूत सुविधाएं को पूरा 100% उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि मूलभूत, जैसे आपको बोले शौचालय का, पीने का पानी, वहां पीने का पानी किसी को नहीं है, घर में शायद ही उपलब्ध है। लोग मतलब कि आधा आधा किलोमीटर महिला घड़ा लेके पानी पीने जाती है। सोचिए कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी गांव में रहते हैं, जबकि आपको विश्वास नहीं हुआ कि विधानसभा के 1 किलोमीटर के अंदर सभा है, जहां पर शपथ लेते हैं सब विधायक कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। लेकिन यहाँ संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि एक हर जनता को जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ जीने का अधिकार का पालन नहीं हो रहा है। मतलब संविधान अनुच्छेद 21 का घोर अपमान हो रहा है यहाँ, जिसको कि हम सबसे पहले ठीक करेंगे, जिसमें शौचालय हुआ, पीने का पानी हर घर में उपलब्ध कराएंगे उन्हें, मतलब कि यहाँ पर स्कूल 10th तक कहीं नहीं है, तो उसको हम 5 साल के अंदर व्यवस्थित कराएंगे, लाइब्रेरी का प्रबंधन करेंगे, और भी बहुत सारी समस्याएं वहाँ बेरोजगार है, बेरोजगारी बहुत भरा हुआ है। तो लोग मतलब कि युवा लोग भटक रहे हैं दूसरे गलत गलत कामों में, उनका सही उपयोग नहीं हो रहा, उनकी ऊर्जा का मतलब कि विकास सही ढंग से नहीं हो रहा, विकास में नहीं लग रहा, तो वो सब हम सही रास्ते पर ले आएंगे। एक पार्षद का बहुत काम होता है, सिर्फ नाला साफ करना, सड़क बनाना या पानी पहुंचाना, यही सब नहीं, उसको बहुत सारे जनता को, बहुत सारे नए नए लड़कों को मार्गदर्शन देना भी पार्षद का काम होता है जी। कई बार चुनाव में जो नेता होते हैं वो समर्थन की वो अपील जो है वो करते हैं, ठीक है, लोगों के बीच आते हैं, हाथ पैर भी जोड़ते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम आपके हैं कौन, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और अगर आप वोट की अपील करते हैं, जनता से समर्थन चाहते हैं, तो जनता आपको क्यों सपोर्ट करे? मैं अगर जीत के आता हूं तो जनता मुझे भूलेगी नहीं, जनता मुझे पूरे गले से लगा के रखेगी, मुझे पूरा प्यार देगी, मेरा काम इतना अधिक रहेगा कि वो मुझे गले से लगा के रखेगी।
और मुझे कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा वार्ड नंबर 9 में करना है। आपको बता दें कि वहाँ बेसिक जो काम होता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना, राशन कार्ड बनाना, वृद्धा पेंशन बनाना, सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता को पता नहीं रहता है, वो हम 100% जनता को उपलब्ध कराएंगे। और उसके लिए उसको मेरे यहाँ आने का जरूरत नहीं है, उसको पार्षद के यहाँ दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। वो उनको पता ही नहीं रहता कि किससे मिले किससे नहीं मिले, कौन मेरा काम करेगा कौन मेरा काम नहीं करेगा। मैं आऊंगा तो सिस्टम पूरा पारदर्शी बना दूंगा, उनको होम डिलीवरी कराऊंगा हर चीज का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, बावजूद ये योजना जो है पूरी तरह से धरातल पर उतरी हुई अब तक नहीं है। तो अगर आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो इस मामले पर आप कितना संज्ञान लेंगे और कितना काम करेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, उस अगर हम बनते हैं तो उनकी हर योजना को, निश्चय योजना को हम वार्ड नंबर 9 में संपूर्ण तरह से पूरा लागू कर देंगे और वो निश्चय को पूरा करेंगे। और पटना को ये बता देते हैं कि वार्ड नंबर 9 सबसे पिछड़ा वार्ड है पूरे 75 वार्ड में। जब तक इसका विकास नहीं हुआ कभी पटना आधुनिक शहर या मॉडर्न सिटी या मॉडल सिटी पटना नहीं बन पाएगा। आपके पास क्या प्लान है इसको नंबर 1 पर लाने का? नंबर 1 पर लाने के लिए बहुत सारी योजना है। पहले आपको बोले कि यहाँ पर जो शौचालय नहीं है, एक पार्षद का बहुत लिमिटेड पावर है। इस वार्ड को अगर नंबर 1 बनाना है तो सबसे पहले विशेष वार्ड का दर्जा दिलाएंगे ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा फंड आए, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसका एहसास 75 वार्ड में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को नहीं है। इतना विधानसभा होते हुए भी और गवर्नर हाउस होते हुए मुख्यमंत्री आवास होते हुए ये पूरे 75 वार्ड में सबसे पिछड़ा वार्ड है, सबसे पिछड़ा वार्ड है। कोई भी जाके सर्वे कर सकता है, आप भी सर्वे कर सकती हैं। तो इसको हम विशेष वार्ड का पहले मुख्यमंत्री से कह के दर्जा दिलाएंगे ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा फंड आए और इसे हम पटना का सबसे नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, ये मैं पूरा करूंगा। मैं आपसे ये अब जानना चाहती हूँ कि अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा, पहला वो काम क्या होगा जो आप जनता के लिए करना चाहेंगे? पहला काम होगा मेरा, आपको बोले कि शौचालय 100% करना और पानी हर घर में पहुंचाना। और यहाँ पर जितने घर में है, यहाँ पर 60% लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना था कि हर घर में सिलेंडर होना चाहिए, वहां पर नहीं है। हम तो वहां पर जनसंपर्क किए तो इतने मतलब लगता ही नहीं कि मैं पटना में हूँ, लगता है कि जैसे कि बांग्लादेश चले गए हैं कि कौन सा गांव में चले गए हैं पता ही नहीं चलता। जबकि आपको विश्वास नहीं होगा पूरे पटना के बीचों बीच में रहते हैं, जो बगल में इको पार्क है, जू है, एयरपोर्ट है, उसके बीच ये हाल है कि सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं है। महिला लोग खांसते रहती है, नाक में धुआं जाते रहता है, फेफड़ा में बीमारी फर रहा है और वो लकड़ी पे खाना बनाने पर मजबूर है। तो हम सबको घर घर में एक सिलेंडर देंगे, सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। सरकार की जितनी स्कीम है हम उसे पूरा करेंगे और उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर देंगे ताकि कोई भी महिला धुआं से परेशान नहीं हो। जी, चलते चलते आप वार्ड संख्या 9 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहेंगे कि आप जो पिछड़े हुए हैं, ये वार्ड जो इतना इतने कई सालों से जो पिछड़ा हुआ है, इसको हम विदिन 5 ईयर्स सबसे सुंदर सबसे नंबर 1 बना के दिखाएंगे। एक बार हम पर विश्वास करके देखिए, फिर हम आपके पास नहीं आएंगे। वार्ड नंबर 9 को हम पूरे बिहार के मानचित्र पे नंबर 1 वार्ड, आदर्श वार्ड, सुपर वार्ड बना के रहेंगे। मेरा एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि अगर मैं जीतता हूं, पार्षद बनता हूं, तो मैं 5 साल में सरकार का जितना भी पैसा का फंड आता है तो मैं हर एक वार्ड नंबर 9 में हर एक जनता को बताऊंगा कितना पैसा आया और कौन पैसा किस किस मद में खर्च हुआ। हर एक जनता को यह अधिकार है जानने का और मैं उनका अधिकार उनको बताऊंगा कि इतना पैसा आया और ये खर्च हुआ। पूरे 75 वार्ड में ये एग्जाम्पल सेट करूंगा पूरे भारत के लिए भी कि एक वार्ड पार्षद कैसे ट्रांसपेरेंसी रख के एक एक पैसा का हिसाब जनता को बताता है, जो आज किसी भी जनता को मालूम नहीं है कि उसका कितना पैसा आया कहां गया। तो मैं ये एक मील का पत्थर साबित करूंगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे नितिन कुमार, जो कि वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस वार्ड में जो शौचालय की कमी है वो बहुत ज्यादा है और अगर ये वार्ड पार्षद बनकर आते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो शौचालय बनवाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए मस्खरा रिपोर्टर।